हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वांटम से टिक कराया था, उन सभी क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा। एक तरफ से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं आप सभी के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, AKTU BTEC सेमेस्टर के लिए। तो इसमें 5 यूनिट है। तो आज पहला यूनिट आप सबके सामने है, तो पहले यूनिट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब पहले यूनिट में जो जो चीज़ें दी हुई है, जैसे कि पहले यूनिट में देखिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, पहले हम पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। तो पहले हम बताएंगे आप सभी को, यूनिट फर्स्ट है ये, फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे अपने इस वीडियो में। उसके बाद इट्स अरिथमेटिक, जैसे कि इसका नंबर सिस्टम का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। उसके बाद बाइनरी कोड्स क्या होता है, साइक्लिक कोड्स क्या होता है, इसके बाद हमिंग कोड्स क्या होता है, ये सब सारे चीज़ बताएंगे। उसके बाद मैप में जैसे कि कॉर्नऑफ मैप क्या होता है, उसके बाद डोंट केयर कंडीशन कॉर्नऑफ मैप में कैसे लगता है, उसके बाद नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नैंड और नॉर गेट का यूज करके हम कैसे सभी गेट को प्राप्त करते हैं, फिर कैसे सभी सर्किट को प्राप्त करते हैं। इतने सारे टॉपिक को देखिए, ये सारा टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट को अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना नोट्स आप सबके सामने लाते हैं, उसके बाद चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए निकलते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम होता है, इसकी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम आया था वो रोमन नंबर सिस्टम आया था। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम इज रोमन नंबर सिस्टम, ठीक। रोमन नंबर सिस्टम जो है वो वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पहले रोमन नंबर सिस्टम आया था, ठीक। जब आप लोग कक्षा 1-2 में होंगे तो हो सकता है रोमन अंक पढ़े होंगे। तो अगर हम बात करते हैं रोमन नंबर सिस्टम का, तो इट इज नॉन वेटेड सिस्टम। जो आपसे का रोमन नंबर सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वो नॉन वेटेड सिस्टम होता है। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, एल मतलब 50 होता है और सी मतलब 100 होता है इन रोमन सिस्टम में। तो ये सब एग्जांपल्स हैं रोमन सिस्टम का, ठीक। तो नॉन वेटेड नंबर सिस्टम में जैसे कि और कौन कौन, जैसे कि देखें रोमन नंबर सिस्टम आप सभी का नॉन वेटेड सिस्टम है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि नॉन वेटेड सिस्टम में और कौन कौन से नंबर सिस्टम आते हैं। तो नॉन वेटेड सिस्टम में आप सभी का ग्रे कोड, रोमन नंबर सिस्टम, ये सभी नॉन वेटेड नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, आल्सो कॉल नॉन वेटेड नंबर सिस्टम। तो नॉन वेटेड नंबर सिस्टम को आप नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोले कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को आप नॉन वेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक। तो डोमेस्टिक नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर घरेलू नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो आप सभी का जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि अपने लोग 1, 2, 3, 4, 20, 50, 60 लिखते हैं डिजिट में, 20, 50, ठीक है, वो आप सभी का डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम को डोमेस्टिक नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक। तो एक हॉर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले नंबर सिस्टम का आविष्कार किया था, ठीक। क्या है, हॉर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले नंबर सिस्टम का आविष्कार किया था। अगर कहीं पे इस प्रकार का कोई डिजिट लिखा हुआ है 135.25, तो इधर वाले दशमलव के इधर वाले डिजिट को इंटीगर बोलते हैं, और दशमलव के इधर वाले राइट वाले साइड को डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिजिट वर्ड की। तो डिजिट वर्ड इज ए लैटिन लैंग्वेज, मींस फिगर ऑफ हैंड, फिगर ऑफ हैंड इज 10, सो डिजिट इज 10, ठीक है। डिजिट का मतलब होता है कि लैटिन लैंग्वेज में डिजिट का मतलब ही होता है कि अपने आपके हाथ में जितनी उंगलियां हैं, यही सारी उंगलियां लैटिन लैंग्वेज में डिजिट वर्ड बोले जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आपके हाथ में कितनी उंगली है, गिनिए 10 उंगली है, तो इसलिए आपका जो डिजिट होता है टोटल वो नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल का जो डिजिट होता है टोटल नंबर ऑफ, वो 10 होता है। इस वजह से इसका हम जो रेडिक्स रखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का, वो 10 रखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा सा टर्म है रेडिक्स, रेडिक्स या फिर बेस, किसी भी नंबर सिस्टम का देखिए बेस होता है, फिर बेस को आप रेडिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए लैटिन बेस को ही लैटिन शब्द में रेडिक्स बोलते हैं। तो रेडिक्स होता है क्या, देखिए दो नंबर में पूछा जा सकता है आप सभी से कि नंबर ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट द सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स। तो ये सिस्टम का एक
सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, रेडिक्स उसको बोलते हैं, फिर उसको बेस बोलते हैं। तो अगर कहीं पे रेडिक्स की वैल्यू 1 है तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, अगर कहीं पर रेडिक्स की वैल्यू 1 है तो उसको बोलेंगे यूनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द नेचर नंबर सिस्टम। अगर कहीं पर रेडिक्स की वैल्यू 2 है तो उसको बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। कहीं पर रेडिक्स की वैल्यू 3 है तो उसको बोलेंगे टर्नरी नंबर सिस्टम। अगर कहीं पर रेडिक्स की वैल्यू 4 है उसको बोलेंगे क्वांटरी नंबर सिस्टम। कहीं रेडिक्स की वैल्यू 5 है तो उसको बोलेंगे क्वांटरी नंबर सिस्टम। और कहीं 6 है तो उसको सैनरी नंबर सिस्टम। इसी प्रकार ऐसे आगे बोलते हुए निकलेंगे, करीब मैंने 16 तक लिखे हुए हैं ऐसे रेडिक्स के नेम। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हमारा जो अब फोकस है अरिथमेटिक पे, तो आप नंबर सिस्टम समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अरिथमेटिक की। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि रेडिक्स की वैल्यू अगर 45 है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पेंटा, क्वांट्री, जेसी, डेसिमल। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है अगर आप उसको एक्सपेंड करने पर, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को एक्सपेंड करने पर वह डेसिमल नंबर सिस्टम में ही रहता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो वह डेसिमल नंबर सिस्टम में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई और रेडिक्स का नंबर सिस्टम है, जैसे कि ऑक्टल है, बाइनरी है, ठीक है, तो उसको अब अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में जाएगा। तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम देखिए कई टाइप्स के होते हैं। वेटेड नंबर सिस्टम होता है, नॉन वेटेड नंबर सिस्टम होता है, न्यूमेरिक नंबर सिस्टम होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम होता है। तो अगर वेटेड नंबर सिस्टम की बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल ये सब वेटेड में आते हैं। और नॉन वेटेड में ग्रे कोड आता है। और आप सभी का ग्रे कोड को ही देखिए मिरर कोड बोलते हैं, या फिर इसी को ही डिफ्लेक्शन कोड बोलते हैं, या फिर इसी को ही फ्रेंड्स साइक्लिक कोड बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको, वो आगे हम क्लियर कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ बताना चाहें क्यों बोलते हैं। इसमें देखिए एक एक का डिफरेंट होता है। जब आप इसका पूरा सिक्वेंस लिखेंगे एक से लेकर 10 तक या फिर कोई भी डिजिट तक, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक 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 साइक्लिक टाइप का बस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस वजह से इसको हम मिरर कोड या फिर डिफ्लेक्शन कोड बोलते हैं। मिरर कोड का मतलब ये है कि ना, कि एक दूसरे को ऐसे एक से लेकर 10 तक आप जाएंगे, तब उसको आप एक दूसरे के ऊपर अगर अध्यारोपित करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से इसको मिरर कोड बोलते हैं, या फिर इसी को। और नॉन वेटेड कोड के और एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो रोमन्स कोड, जो रोमन्स नंबर सिस्टम्स है, ये भी आप सभी का नॉन वेटेड सिस्टम है। ठीक, तो ये नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स हो गए, वेटेड, नॉन वेटेड, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक, तो इतना आप समझ चुके होंगे। देखिए जो चीज़ें हम बस बता रहे हैं, आप उतने चीज़ों को बस फोकस कीजिए, उतने ही चीज़ों को लिखिए जो आपको हम दिखा रहे हैं और जो आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि होने को तो बहुत सारी चीज़ हमारे नोट्स में है, तो उन चीज़ों को नहीं बताएंगे, उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए आर बराबर 10 न्यूमेरिक। तो चलिए हम चलते हैं अरिथमेटिक पे, आप सबका जो मेन टॉपिक है। तो देखिए हम आ चुके हैं अरिथमेटिक ऑफ नंबर सिस्टम। तो अगर इसमें हम एडिशन की हम बात करें, तो कोई आप सभी का अरिथमेटिक एडिशन दिया है नंबर सिस्टम का, अगर उसका रेडिक्स 4 है, ठीक है, तो आपको हम दे रहे हैं 3, 2, 1 और 2, 2, 3, 3 को ऐड करना है। और हम बोल रहे हैं कि इनका रेडिक्स जो है 4 है, तो आप कैसे ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो हम बताना चाहेंगे। देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 होता है, लेकिन रेडिक्स कितना है, 4 है, तो आप 4 का उसका डिवीजन कर दीजिए। 4 बाई 4 मतलब कट के कुल निकल गया, मतलब 0 आ गया, 1 आपका हाथ में आ गया। आप इसको 1 यहाँ ऊपर रख दीजिए, ठीक है, 1 ऐसे ऊपर रख दीजिए। अब फिर ऐड कीजिए 2 और 3 5, और 5 और 1 6। अब 6 में आप अगर 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर आपका 1 का आ गया कैरी आ गया, फिर कैरी को आप यहाँ पर लाइए, ठीक है। तो अब फिर जोड़िए 3 2 5 1 6, तो 6 में फिर 4 हटाइए तो 1 कैरी इधर चला जाएगा, और ये बचेगा कितना, 6 में से अगर 4 हटा दिया 2 बचा, अब फिर वही कैरी ये यहाँ पे लिख दिए, तो आपका एडिशन कितना आ गया 1 2 2 0। ये रेडिक्स 4 में हम अरिथमेटिक एडिशन बताए हैं। आपके एग्ज़ाम में ना और सिर्फ आएगा बाइनरी, तो बाइनरी यहाँ पे है, ठीक है। देखिए बाइनरी यहाँ पे, अलग अलग रेडिक्स के लिए हम बहुत सारे रेडिक्स के लिए हमने एडिशन किया हुआ है, जैसे कि 6 के लिए, 8 के लिए, 12 के लिए। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में आएगा ना, वो आएगा बाइनरी का, वो हमको बहुत अच्छे से पता है। तो आपके पास 4 डिजिट हैं, 1101 1011 1011 1111 1110।
तो आपको ये सारे ऐड करने हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पांच हम डेसिमल नंबर सिस्टम दिए हैं उनको ऐड करना है। और इसका रेडिक्स जो है वो बाइनरी है, मतलब बाइनरी का जो रेडिक्स होता है वो 2 होता है, आप सभी जानते होंगे, इतना उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक, तो आप इसको ऐड कीजिए, जब 1 1 ऐड करेंगे आ गया 2 और रेडिक्स 2 है, मतलब 2 अगर आप निकाल दिए तो आपका एक कैरी आ गया इधर, आप इधर लिख लीजिए एक कैरी। ठीक, अब फिर आप 1 1 जोड़ दिए तो फिर आपका 2 आया, फिर क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा तो एक कैरी आपका और आ जाएगा, कुल मिलाकर के आपका 2 कैरी हो गया, आपके पास कितना कैरी हो गया 2 कैरी। और फिर जब एक 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 तो इसका बचा और एक इसका बचा, तो एक एक आप जब जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, 0 आ जाएगा तो ये सारी कैरी जो है इधर चली जाएगी। अब फिर इधर ऐड कीजिए, 2 तो था ही ये, तो आप इसको इसमें ऐड कीजिए 2 और 1 तो कितना हो गया 3 3 में 2 निकाल देंगे तो एक कैरी आपका आएगा। फिर उसके बाद 1 1 में 0 आ जाएगा, फिर इसमें भी एक कैरी आएगा, मतलब कुल मिला करके आपका एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब फिर 2 आपका कैरी इधर चला जाएगा, फिर इसको भी ऐसे ऐड कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 1 मतलब एक कैरी, 1 1 मतलब एक कैरी, मतलब कुल मिला करके 2 कैरी। अब 2 कैरी आप इधर ट्रांसफ़र कर, मतलब 2 2 इधर भी ऑलरेडी 2 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो फिर आपका 1 आएगा, और 1 1 जोड़ेंगे आपका 0 आ जाएगा, कुल मिलाकर के 3 कैरी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो कुल ऐसे ऐड होते होते 1 0 0 0 0 1 0 आ जाएगा। देखिए, हो सकता है मे भी आपको ऐसे ना समझ में आया हो, ठीक है, हम रुकिए, अब बहुत बड़ा हो गया ना, अब आपको समझ में आएगा 1 1 0 1 और 1 0 0 1, ये आपको 2 हम दिए ऐड करने के लिए। ठीक, और इसका रेडिक्स हमने दे दिया 2। अब देखिए 1 1 कितना हुआ 0, ठीक है 0 हुआ। अब एक एक कैरी गई इधर, तो अब 0 0 और कैरी जो इधर आई है वो तो 1। ठीक, अब 1 0 1 1 1 0 और एक कैरी जनरेट हुआ तो आ गया कैरी इधर। ठीक, तो हो सकता है आपको एडिशन समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन में भी हम रेडिक्स 2 को ले लेते हैं, मतलब कि आप सबके बाइनरी को, बाइनरी का 1 2 डिजिट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, तो 1 0 0 0 1 1 0 1 दिया है, उसके बाद 1 1 1 0 0 1 1 दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 में से 1 गया 0। अब क्या हुआ, यहाँ पे 0 है तो अब ये क्या करेगा, ये 12 मांगेगा, मतलब उधार मांगेगा इससे। तो जब ये 12 देगा, लेकिन इसका रेडिक्स है कितना 2 है, तो 1 12 देने का मतलब है 2 2 अंक देगा अपना ये, तो 1 दिया मतलब 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1। अब ये कितना बचा 0, 0 में से गया 0 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया 1, 0 में से 1 गया 1, 0 में से 1 गया, अब ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ तक आया था। ठीक है, 0 में से 1 में से 0 गया 1। ठीक है, अब ये 0 था, अब ये 1 है, तो ये क्या लेगा, 12 लेगा, ये इससे लेगा, इसके पास तो है नहीं तो ये भी इससे लेगा, अब इसके पास भी नहीं है तो ये भी इससे लेगा, ये लेगा इससे, मतलब ये दो, ये देगा इसको 1 1 12 मतलब 2 डिजिट, 2 दिया। अब ये 1 इसको दिया मतलब 2 दिया इसको, अब ये इसको दिया मतलब 2 दिया, मतलब 2 में से 1 गया 1, और आपका यहाँ पे आया 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे बचा था 1, तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे आ गया था लास्ट में आप सभी का 0। ठीक, तो आपका कुल मिला करके जो आंसर निकल के आएगा वो 0 1 1 0 1 0 आएगा। ठीक, तो ये है सबका सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हम रेडिक्स में कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब एक वीडियो में इतने टॉपिक को क्लियर करना है, तो फ्रेंड्स उसी हिसाब से वीडियो भी हमको बनाना पड़ता है, उसी हिसाब से हम चलते भी हैं। तो अगर आपको अलग से किसी टॉपिक के पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम बना देंगे, लेकिन हमारा जो भी पर्पज़ रहता है आप सबके सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बनाना रहता है, तो इस वजह से हमें करना पड़ता है, एक ही क्वेश्चन को ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तारपूर्वक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी चलिए हम ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आप रेडिक्स 2 को ही ले लीजिए, तो अब 1 1 1 0 1 और 1 1 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको रेडिक्स 2 में। तो ठीक है, तो करिए 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 सब ऐसे उतरते जाएंगे, 0 0 0 पूरा हो जाएगा। ठीक, और फिर ये 1 0 1 1 1 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 0 1 1 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे आप तो 1 का 1 0 0 0 और 1 1 0 आ गया, और एक कैरी, तो कैरी 1 0 फिर एक कैरी जनरेट हो गई, और फिर 0 1 1 आ गया। अब एक कैरी यहाँ पर आ गई थी 1 1 0, ठीक, एक कैरी इधर आ गई, और फिर 1 0 1 कितना हो गया 1। ठीक, अब एक कैरी तो ऑलरेडी आ ही गई थी, तो 1 1 0
और फिर 011, एक कैरी इधर की इधर चली गई, तो 110 और 011, फिर एक कैरी यहाँ आ गई 110, फिर एक कैरी बची तो वो 1 लास्ट में यहाँ पे, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं मल्टीप्लिकेशन भी आप समझ चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हाँ इतना हम जानते हैं कि जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, अगर कोई नया लड़का होगा, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब नहीं करना आता होगा, तो शायद वो हमारी बातें ना भी समझ पाए, क्योंकि हमको भी पता है, क्योंकि हम भी जब फर्स्ट बार पढ़ रहे थे, तो शायद अगर हमको भी ऐसा कोई अगर बताता तो बिल्कुल भी ना समझ पाते। देखिए, हम ये उम्मीद ले रहे हैं कि आपको, आप सभी को कैलकुलेशन अरिथमेटिक आती होगी, इस हिसाब को मतलब हम मान करके चल रहे हैं कि आपका रिवीजन हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा और पेशेंस रखिएगा और मेरे पर विश्वास रखिएगा। आप सभी के सारे यूनिट एक तरफ से मैं ख़त्म करूँगा, पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है, उसके बाद फिर मशीन, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद बस जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सभी के फोर्थ सेमेस्टर के, सभी सब्जेक्ट को कवर करूँगा अपने वीडियो में, आने वाले लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारी वीडियो आप तक पहुँच जाए एग्जाम के पहले, ठीक है। अगर आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया है, 195 के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूरे सेमेस्टर बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई किए हैं और बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं सभी चीज़ों का, तो कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे पढ़िए हमसे फिर चाहे ना पढ़िए, आप खुद एबल हैं एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए, ठीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट अरिथमेटिक का यूनिट, तो डिवीजन की हम बात कर लेते हैं, डिवीजन की, ठीक। तो अगर हम डिवीजन में रेडिक्स 10 को कंसिडर करें, तो रेडिक्स 10 में देखिए 8 × 16, ये तो नॉर्मल है, तो अपने लोग करते ही हैं। अगर हम रेडिक्स 4 को कंसिडर करते हैं, तब देखिए क्या, पहले तो आपको को करना क्या होगा, रेडिक्स 4 कंसिडर कर रहे हैं और 3 का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, सॉरी डिवीजन कर रहे हैं 2, 3, 2, 1 में। तो करना क्या होगा ना, पहले 3 का इसका पहाड़ा लिखना होगा, 3 × 3 = 3, इसका तो 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और फिर 4 का उसमें डिवीजन दो, 4 × 1 = 4 और बचा कितना 2, ठीक। 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8 और बचा कितना 1। तो ये इसका पहाड़ा हमने लिख लिया एक साइड में, अब हम करेंगे डिवीजन। तो देखिए, आप जानते हैं 3 × 3 = 3 कितना होता है, 21 होता है, तो 21 हमने लिख दिया। तो आप इसको अब घटाइए, 3 में से 1 गया कितना आया 2, और 2 में से 2 गया 0, अब ये 2 उतर जाएगा यहाँ पे, अब फिर कितना आएगा, फिर 3 × 3 = गया 21, ठीक है। तो फिर 2 में से 1 गया 1 और 1 यहाँ उतर आया, फिर आप डिवीजन कीजिए, तो अब 1 ले जाइए, 3 × 1 = 3, तो आपका कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 2 आएगा। अब सोचिए कैसे 2 आया, तो देखिए ये 3 है, ये 1 है, अब ये तो इससे घटेगा नहीं, तो ये क्या काम करेगा, अपने बगल वाले से ना बारो मांगेगा, मतलब उधार। तो ये देगा कितना, इसका रेडिक्स 4 है, तो मतलब ये 4 देगा, तो 4 दिया मतलब 1 तो ऑलरेडी था, अब 4 इसने दे दिया, मतलब कुल कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में से 3 का कितना आ गया, 2 आ गया, बाकी 1 था, अब ये 0 हो गया। तो आपका भागफल 3, 3, 1 आया, शेषफल 2 आया, ठीक। ये रहा डिवीजन का प्रोसेस, पहले आप सभी को क्या करना रहता है, पहाड़ा लिखना रहता है, जैसे कि आप रेडिक्स 5 का करेंगे, तो पहले रेडिक्स 5 का पहाड़ा लिखो, उसके बाद डिवीजन करो, ठीक। तो चलिए, आप कैलकुलेशन आप सबका हो चुका है फ्रेंड्स पूर्ण रूप से। तो अभी मैंने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया, नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक, ठीक। अब हमारा टॉपिक है बाइनरी कोड, साइक्लिक कोड, हमिंग कोड, ठीक, और मैप और डोंट केयर कंडीशन। तो देखिए, पहले हम कवर कर लेते हैं ना पॉस को, पॉस और सिंप्लीफिकेशन और मैप, मैप और डोंट केयर, ये चार टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं कि पॉस में से सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं और मैप, कॉर्नऑफ मैप वगैरह का यूज हम कैसे करते हैं, उसके बाद फिर कवर करेंगे नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। तो चलिए, सॉप को हम क्लियर करते हैं, सॉरी फ्रेंड, पॉस को, ठीक। तो पॉस आप सबके सामने है, तो देखिए पॉस का जो पूरा नेम होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसी को आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड, नॉर्मल, कैनोनिकल, डिसजक्टिव, मतलब पॉस का आप इस टर्म में भी उस पॉस को बुला सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन बताएंगे और हो सकता है आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, जो सॉफ होता है, सॉफ से जो हम निकालते हैं वो मैक्स टर्म को फाइंड करते हैं, और जो पॉस से हम फाइंड करते हैं वो मेन टर्म को फाइंड करते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन लेंगे, हो सकता है आपको सॉफ और पॉस मतलब समझ में आ जाए। तो देखिए, फाइंड द मेन टर्म ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मीन टर्म पूछ रहा है, तो इसका मतलब मीन टर्म का मतलब है पॉस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये है आप सबका एक्सप्रेशन y = a b c d, a b + c है, ठीक।
तो अब हमें करना क्या रहता है, इसको हम करेंगे एक्सपेंड। तो ए बी सी प्लस सी बार प्लस सी बी प्लस बी बार, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, ए बी सी डी है, तो इसका हमारा जो उद्देश्य रहेगा ना, सभी में ए बी सी डी आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें नहीं है, इसमें सी नहीं है, अब इसमें क्या नहीं है, इसमें बी ए डी सब नहीं है। तो ऐसा करेंगे हम ना कि सभी डिजिट में सब हो, ए बी सी डी सब हो, और सभी योग के मतलब प्लस के टर्म में हो। तो देखिए इसमें ए बी सी प्लस सी बार प्लस सी बी प्लस बी बार, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, तो आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार, अब प्लस अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, तो बी सी प्लस बी बार सी। इसी प्रकार आगे ए बी सी, अब इसमें क्या नहीं है, डी नहीं है, तो डी प्लस डी बार, देखिए इसका मतलब क्या होता है, डी प्लस डी बार का इसका मतलब होता है कि एक आएगा। ठीक, अब बाकी प्लस ए बी सी बार और डी प्लस डी बार प्लस बी सी, और इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, बाकी भी डी भी नहीं है, तो पहले हम ए ले लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में डी भी ले लेंगे, तो ए प्लस ए बार प्लस बी बार सी ए प्लस ए बार। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, तो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी, अब ए बी सी इधर आ गया, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डी प्लस डी बार का, अब फिर यही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे, तो आ जाएगा ए बार बी सी, अब इसमें भी क्या नहीं था, तो डी प्लस डी बार का फिर हम मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, अब इसी प्रकार इसमें भी बी बार सी ए में बी ए बी बार सी में डी प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसी प्रकार ए बार बी बार सी मतलब यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, और इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डी प्लस डी बार का। इसका मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर एक्स प्लस एक्स बार मतलब कहीं कुछ भी रहे, अगर एक्स प्लस एक्स बार करके है, तो उसका मतलब होता है एक, अगर या पढ़े होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप सबका रिजल्ट देखिए कुछ इस प्रकार आएगा, ए बी सी, अब ये देखिए ए बी सी डी बार, ऐसे ये भी ए बी सी बार डी, इसी प्रकार ये वाला यहाँ पे ए बी सी बार डी बार, उसी प्रकार ए बी सी डी, इसी प्रकार ए बी सी डी बार, उसी प्रकार ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे एक सिक्वेंस से, अगर हम अभी ये देखिए आप सभी का ना मेन टर्म निकल के आ रहा है, तो अब देखिए जहाँ जहाँ पे बार नहीं है वहाँ वहाँ पे वन हम लिखेंगे, तो ए बी सी डी है तो वन वन वन, ए बी सी डी बार है तो वन 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 जीरो, ए बी सी बार डी है तो वन वन जीरो वन, इसी प्रकार सबको ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो वीडियो को थोड़ा रोक लीजिएगा, थोड़ा फास्ट से हम जरूर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है अगर आप शायद पहली बार होगा तो शायद फ्रेंड्स ना समझ में आए, हमको भी ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। ठीक, तो अब आप मेन टर्म के टर्म में लिखना चाहेंगे तो आपका देखिए जो ये वन वन आया था इसको आप क्या बोलते हैं, अगर आप वन 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 को क्या बोलते हैं, पंद्रह बोलते हैं ना, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, वन टू फोर एट, तो आठ चार बारह, दो चौदह, एक पंद्रह। ठीक, इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, वन दो चार आठ, तो आठ चार बारह और दो चौदह, तो वही हम लिखे हैं देखिए यहाँ पे, पंद्रह चौदह तेरह बारह सात ग्यारह दस तीन दो छः, ये आप सभी का आ गया मेन टर्म। ठीक, तो चलिए अगर सौ पर पाओ सब सम पढ़े होंगे तो आ जाएगी समझ में आपको, तो बाकी अगर कहीं पे देखिए अगर पॉस है तो पाइक मतलब होता है लार्ज सम को शो करता है, और जो कैपिटल एम होता है वो मैक्स टर्म को शो करता है, स्मॉल एम मेन टर्म को शो करता है। ठीक, तो अब हम आप सबको ना बता देते हैं मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो देखिए जो मिनिमाइजेशन टेक्निक होता है वो तीन प्रकार से किया जाता है, एक होता है बूलियन अलजेब्रा, एक होता है के मैप अप टू फोर वेरिएबल कारनाफ मैप, अब एक होता है टेबुलर मेथड आफ्टर फोर वेरिएबल। तो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, के मैप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो के मैप का हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वहाँ पर आप सबको सारा चीज़ समझा देंगे। ठीक, तो देखिए ये मैंने के मैप का टेबल बनाया हूँ ऑलरेडी पहले से ही,
तो ये वन वेरिएबल का के मैप है, इसको बना लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो रोक करके देख लीजिए। और ये के मैप है टू वेरिएबल का, ठीक है, ये टू वेरिएबल का है। कैसे है, ए अगर एक वेरिएबल का रहेगा, अगर ए है तो ए बार ए, अगर दो वेरिएबल ए भी है तो ए बार ए और बी बार बी, ठीक है। इसको आप दो वेरिएबल का आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, आपके पास तीन ऑप्शन है। और वन वेरिएबल का आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आप सबका थ्री वेरिएबल्स का के मैप, ठीक, आप चाहे इसको ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। थ्री वेरिएबल्स का कैसे बनेगा, आपके पास ए बी सी तीन वेरिएबल्स हैं, और ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, और इसको बना सकते हैं सी बार सी, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे बनाना है, ठीक। उसके बाद इसको आप ऐसे बना सकते हैं। फोर वेरिएबल्स का देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फोर वेरिएबल्स, फोर वेरिएबल्स का के मैप देख लीजिए। आपके पास ए बी सी डी चार वेरिएबल्स हैं, और उसको आप ऐसे बनाएंगे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, और सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ठीक। तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ठीक। तो हम कैसे देखिए, बहुत तरीका है बनाने का, बहुत तरीका है, सबका अपना अपना टेक्निक होता है, आपको जो सही लगे वैसे सॉल्व किया करिए क्वेश्चन को, ठीक। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जीरो वन ऐसे आया करिए, जीरो वन और नीचे से टू थ्री, उसके बाद फिर फोर फाइव, नीचे से सिक्स सेवन, उसके बाद फिर इधर आ जाएगी एट नाइन टेन इलेवन और बारह तेरह और चौदह पंद्रह, ठीक। तो चार वेरिएबल्स हैं, तो चार वेरिएबल्स का हमने दिखाया है, जीरो जीरो जीरो, जीरो 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 वन और जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन जीरो। तो एक क्वेश्चन को चलिए हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो अपने पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि चलिए यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये आपका पास एक क्वेश्चन है, मिनिमाइजेशन एक एक्सप्रेशन है आपके पास, और मिनिमाइज करना है इसको, ए बी सी प्लस ए बार डी बार प्लस बी बार डी बार प्लस ए बी सी डी। तो करना क्या है आपको, देखिए आपको दिख रहा होगा कि चार वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, ए बी सी और एक डी, ठीक है, चार वेरिएबल्स हैं। तो आप तुरंत चार वेरिएबल्स वाला के मैप बना दीजिए, तो ए बी सी डी, तो आपको करना क्या है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बी, ए बी बार, ठीक। उसके बाद सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। आप करिए चार वेरिएबल्स का, मतलब कितने आपको करना क्या है, कितने वर्ग, एक दो तीन चार, उसके बाद फिर ऐसे ही एक दो तीन चार, मतलब कुल मिला करके चार ऐसे करके, ठीक। तो चार इधर चार इधर, ठीक, करना क्या है देखिए, ऐसे तीन खड़ी पाई और तीन ऐसे ऐसे पाई, मतलब एक बनाओ पहले वृत्त, उसमें तीन खड़ी पाई और तीन हॉरिजेंटल, ठीक, तीन वर्टिकल और तीन हॉरिजेंटल, उसके बाद फिर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर इधर आ जाइए एकदम राइट साइड एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ठीक। तो अब देखिए आप इतना सजा दिए, अब आपको दिख क्या रहा है, पहले देखिए ए बी सी दिख रहा है, तो पहले इसमें हेरिए ए बी सी कहाँ है, ए बी आपको मिल गया, अब सी कहाँ है, जिसपे बार ना हो, तो सी और सी, तो देखिए कहाँ क्रॉस कर रहा है, ये आया इधर और ये गया इधर, मतलब एक यहाँ क्रॉस किया एक यहाँ क्रॉस किया, ठीक, दो आपको मिल गए। अब आगे देखिए ए बार डी बार हेरिए, ए बार तो मिल गया, अब डी डी बार कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है डी बार, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो इसको भी आप क्रॉस कीजिए, एक यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ कटा, यहाँ कटा और यहाँ कटा और यहाँ कटा, तो यहाँ वन 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 वन, ठीक। और आपको देखिए बी बार डी बार, तो बी बार पहले तो बी बार डी बार कहाँ है, बी बार एक यहाँ पे है, एक बी बार यहाँ पे, और डी बार कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो आप जो ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ऐसे, तो एक यहाँ तो ऑलरेडी कटे हुए थे और मैंने वन वन बनाया था, और यहाँ पे एक नए कट रहे हैं दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको भी मैंने बना दिया वन वन, ठीक। और आपको लास्ट क्या बचा, ए बी सी डी, तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ पे है और सी डी कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ पे है। तो अब इसको ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा वन। तो आप इन्हीं को, अब देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने वन लिखा है इन्हीं को लिख दीजिए, ये आपका मिनिमाइज होकर के मेन टर्म निकल के आ जाएगा। मेन टर्म को हम लोग एडिशन स्मॉल एम से शो करते हैं, तो इसको सिग्मा ही बोल सकते हैं, ठीक। तो जीरो पे है जीरो, इसके बाद फिर टू पे है टू, सिक्स पे है सिक्स, और उसके बाद फोर्टीन पे, सेवन पे नहीं है, कट है, ठीक है, ये कट है, ठीक है, फोर्टीन पे है फोर्टीन, फिफ्टीन पे है फिफ्टीन, उसके बाद फिर टेन पे है टेन,
उसके बाद फिर 8 पे है 8, इसके बाद फिर 4 पे है 4। ये आप सभी का मिन टर्म आ गया एकदम शॉर्टकट में। बहुत ज़्यादा आपको विस्तारपूर्वक जाना ही नहीं है, बस के मैप बना करके चीज़ों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं के मैप हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अभी देखिए यार इतना टॉपिक को कवर करना है तो यार एक वीडियो में इतना ही कर सकते हैं। बाकी अब अलग अलग से देखिए, ये सब इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं कि लोगों को एक चीज़ समझाने में एक एक क्लास निकल जाता है। तो फिलहाल हम इतना ही कर पाएंगे इस वाली वीडियो में, बाकी अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसमें एक एक टॉपिक को अलग से एकदम विस्तारपूर्वक समझाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें एक डोंट केयर आया था, तो डोंट केयर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? देखिए डोंट केयर ना, देखो डोंट केयर को फाइव से शो करते हैं। डोंट केयर यह सिर्फ बड़ा पेयर बनाने में सहायक होता है, अगर खुद कहीं बच रहा है तो इसे छोड़ दिया जाता है, ठीक। देखिए फिर से डोंट केयर का मतलब, ये के मैप में यूज किया जाता है डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि यह सिर्फ बड़ा पेयर जब बनता है ना तो मिनिमाइजेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब उतना ही कम हो जाता है मिनिमाइज होकर के। तो डोंट केयर यह सिर्फ बड़ा पेयर बनाने में सहायक होता है, अगर खुद कहीं बच रहा है तो इसे छोड़ दिया जाता है डोंट केयर को। जैसे कि आपके पास एक डोंट केयर को या फिर फाइव से शो करते हैं या फिर क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है, या तो फाइव से शो करते हैं या तो क्रॉस से शो करते हैं। अब ये आप सबके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में डोंट केयर का यूज किया गया है, और डोंट केयर का देखिए कैसे यूज किया गया है वो हम बताते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, मेन टर्म है 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15 और आपके पास डोंट केयर है। ये डोंट केयर का देखिए डी मतलब डोंट केयर, और बाकी ये मेन टर्म में डोंट केयर है, 4 पे है, 6 पे, 12 पे और ठीक इतने जगह पे है। तो आप देखिए इसको सजाइए, तो 1, 2, 3 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो सब जगह पे मैंने 1 लिख दिया। और डोंट केयर कहाँ पे है? 4, 6 और 12 पे, 4 पे है और कहाँ पे है? 12 पे है, और उसके बाद कहाँ पे है? 6 पे है। अब पेयर बनाइए, तो पेयर और बाकी ये 4 वेरिएबल पहले ही दिया था ए बी सी डी, इसलिए मैंने 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाया हूँ, ठीक है। तो ए बी सी डी का के मैप कैसे बना? A बार B बार A बार B A B A B बार, बाकी C बार D बार C बार D C D C D बार, और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक। तो मैं सब जगह पे 1, 1, 1 भर दूंगा, तो भर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डोंट केयर मतलब डोंट केयर भी जो दिया था उसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाऊंगा, तो दो मैंने आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप, जब जहाँ पे 8 बीट होते हैं वह एक निब्बल के बराबर होता है। तो अभी देखिए, तो ये यहाँ पे देखिए 8 बीट है तो एक निब्बल होना चाहिए, तो यहाँ पे एक कौन सा कॉमन है सब जगह पे? तो ए बार दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ए बार, तो मैंने ए बार बना दिया, ठीक। अब ऐसे ही दो इधर से कोना कोना लो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक। तो अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है, ऊपर अगर देखेंगे तो बी बार और यहाँ पे भी बी बार, और साइड में देखेंगे तो सी बार डी बार, मतलब एक बी बार ऊपर से मिल गया और हॉरिजॉन्टल में डी बार, तो वही मैंने B बार D बार लिख दिया, ठीक। अब आपका कौन बचा? अब बचा 4 पेयर, इसको बना लेते हैं, 2 इधर से और 2 इधर से, ठीक। तो अब इसमें देखिए ऊपर कौन सा कॉमन है? B बार है और B बार है, और अगर साइड में कहें तो C बार C बार, तो इसको मैंने B बार C बार, ठीक। फिर प्लस, तो अब यहाँ पे एक बच रहा था तो इसको मैंने 2 का ले लिया। तो अब इसमें देखिए BCD दो कॉमन है, CD और इसमें ऊपर वाले में सिर्फ B कॉमन है, तो BCD, ठीक। तो आपका एक डोंट, देखिए दो तो डोंट केयर का मैंने यूज कर लिया हूँ, जैसे कि एक 4 वाला डोंट केयर यूज कर लिया और एक 6 वाला डोंट केयर यूज कर लिया, लेकिन 12 पे जो डोंट केयर था उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये जो डोंट केयर मतलब ही यही है कि डोंट केयर यह सिर्फ बड़ा पेयर बनाने में सहायक होता है, अगर खुद कहीं बच रहा है तो इसे छोड़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट केयर का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो अपना देखिए क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गया, पॉस, सिंप्लीफिकेशन, मैप, डोंट केयर, कंडीशन, ये इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक। अब हम नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए इतना आप सबके लिए मेहनत करते हैं, हो सकता है आज की भी इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें ना समझ में आ रही हो, क्योंकि ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह है, तो आपको अगर आप पहले से पढ़े होंगे तभी आप उतनी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक को कवर कर रहे हैं अपने एक वीडियो में, तो हो सकता है थोड़ी सी कम चीज़ें आप समझ में आ रही हो, लेकिन आगे आने वाली सब वीडियो जिसमें हाफ एडर, सब ट्रैक्टर और फ्लिप फ्लॉप
और आप सभी का डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सब सारा चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो थोड़ा सा विश्वास और पेशेंस रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हैं और एक दो वीडियो देख करके सेमेस्टर को पास करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं गेट की। तो देखिए गेट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेसिक गेट में एंड और नॉट, ये सब बेसिक गेट हैं, और यूनिवर्सल गेट में आते हैं नैंड और नॉर। नैंड और नॉर ये अभी हम पढ़ाएंगे। तो ये दो जो आपके गेट होते हैं ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसको यूनिवर्सल गेट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसका यूज करके हम दुनिया भर में कोई भी सर्किट बना सकते हैं, किसी भी गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम बना सकते हैं नैंड और नॉर का यूज करके। ठीक, बाकी एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट ये आप सबका एक्सक्लूसिव गेट है, और जो गेट होते हैं जैसे कि डीजनरेटिव गेट होता है, नॉन डीजनरेटिव गेट होता है, एंटी कॉन्सिडेंस गेट होता है, कॉन्सिडेंस गेट होता है, उसके बाद ए ओ आई गेट होता है, ओ ए आई गेट होता है, प्रीसेट गेट होता है, और क्लियर गेट होता है, प्रोविटर गेट होता है, बबल्ड गेट होता है। तो अभी का जो मेरा टॉपिक है वो नैंड और नॉर गेट को कवर करना। तो आप देख सकते हैं नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यूनिवर्सल गेट द गेट विच गिव ऑल ऑपरेशन ऑफ बेसिक गेट एंड और नॉट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ऐसे गेट जिनका यूज करके हम दुनिया भर के किसी भी सर्किट या फिर दुनिया भर का कोई भी गेट हम बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट दो ही हैं, एक नैंड एक नॉर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड गेट की हम बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन आप सबके सामने है नैंड गेट का। तो वाई बराबर ए डॉट बी पूरे का बार, या फिर एंड का जब हम नॉट कर देते हैं तो आप सभी का नैंड गेट आ जाता है। अगर ये बोलें कि नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट और नॉट गेट से मिल के बना जाता है तो आप सभी का क्लियर है। ठीक है, नैंड गेट। तो लॉजिक सिंबल अगर हम बात करें नैंड गेट का, तो नैंड गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। दो इनपुट होते हैं ए बी, और एक नैंड होता है एक नॉट होता है। तो इसका आउटपुट ए डॉट बी आता है और एंड नॉट गेट का आउटपुट ए डॉट बी का बार आ जाता है। तो सभी जानते होंगे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें लिखी हैं उनको फटाफट नोट करिए, नहीं तो इसमें शॉर्ट ले लीजिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉट गेट फॉलो बाई एंड गेट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको आप नैंड गेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी ये टाइमिंग डायग्राम है नैंड गेट का। तो नैंड गेट का क्या फंक्शन है देखिए, जब दोनों इनपुट 0-0 होता है तो उस वक्त आउटपुट 1 होता है, और जब दोनों आउटपुट 1-1 होता है तो उस वक्त आउटपुट इनपुट 1-1 होता है, मतलब हाई हाई होता है, तो आउटपुट आपका 0 आता है। ठीक है, अगर एक इनपुट तो चलिए आगे, ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का। तो जब दोनों इनपुट मतलब दोनों इनपुट लो लो होता है तो उस वक्त आउटपुट नैंड गेट का हाई आता है। कैसे हाई आता है, जब दोनों का डॉट करेंगे 0-0-0 और बार कर देंगे मतलब कंप्लीमेंट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार फिर जब 0-1 होता है तो 1, और फिर 1-0 तो 1-1-1 रहेगा फिर 0। ठीक, ये रहा ट्रूथ टेबल नैंड गेट का। बाकी आगे आप देख सकते हैं नैंड गेट का यह है ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट नैंड गेट का बना लीजिए। ठीक, और यह है इसका नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, तो एक समझा देते हैं, जैसे कि नैंड गेट में आप जानते हैं जब दोनों हाई हाई होता है तो उस वक्त मैंने क्या बोला, आउटपुट आपका 0 आता है, मतलब ठीक है ये इनपुट है, दोनों ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो देखिए जब 1-1 है मतलब क्लोज है, मतलब क्लोज है, ये भी क्लोज है, मतलब शॉर्ट सर्किट, जब इधर से करंट आएगी इधर से होकर के चली जाएगी, लाइट में जाएगी ही नहीं, तो लाइट से करंट बल्ब जलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है ये ऑफ है। तो समझ में आ चुका होगा कि अगर दोनों इनपुट हाई रहेंगे तो आउटपुट 0, बाकी अगर कोई भी एक इनपुट लो है तो आउटपुट आपका हाई आएगा। ठीक, कैसे, अगर कोई लो है मतलब एक खुला है तो करंट आपकी इधर से जाएगी, लाइट को जलाते हुए जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। बाकी ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नैंड गेट का यूज करके आप कैसे नॉट गेट बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप दोनों इनपुट को कॉमन ले लीजिए, आपका नॉट गेट आ गया, और दो नैंड गेट का यूज करके हम एंड गेट बनाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, ए बी दोनों का बार, फिर इसको कॉमन ले लेंगे तो ए बी देखिए डबल बार होकर कट के ये आ जाएगा।
तो बाकी ऐसे इसी प्रकार नैंड गेट का यूज करके हम और गेट भी बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार है, द तीन नैंड गेट का यूज करके हम और गेट बना सकते हैं। देखिए इसको कॉमन लीजिए ए बार, इसको कॉमन लीजिए बी बार, और दोनों को यहाँ पे ऐड करके नैंड गेट एक और लगा दीजिए, दोनों का ये आ जाएगा। और आप पढ़े होंगे ये कौन सा ला है, यहाँ पे कौन सा ला लग रहा है बताइए, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लग रहा है। तो डी मॉर्गन लॉ के सेकंड लॉ के हिसाब से तो ए प्लस बी आ गया, ठीक है। ये जब दोनों का यहाँ पे एडिशन आ जाएगा और दोनों के ऊपर बार चला जाएगा, डबल बार तो ए बार प्लस बी बार आ जाएगा, ठीक। तो ये रहे नैंड गेट, और बाकी आगे है नॉर गेट। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन वाई बराबर ए प्लस बी का पूरे का बार होता है। लॉजिक सिंबल ये नॉर गेट का आप सबके सामने है, ठीक, कुछ इस प्रकार होता है। नॉर गेट का सिंबल है, लॉजिक टेबल यहाँ पे है नॉर गेट का, 00 का 1 और 01 का 1 0 और 10 का 0। देखिए कैसे हो रहा है, 01 ऐड करेंगे तो 1 और पूरे का बार कर देंगे 0, मतलब एक ही कंडीशन में जब लो रहेगा तभी आप सबका आउटपुट हाई मिलेगा, बाकी सभी कंडीशन में आउटपुट आप सभी का 0 मिलेगा, ठीक। टाइमिंग डायग्राम आप सबके सामने है, तो इन सभी चीज़ों को बना लीजिए अपने कॉपी में। ए बी आउटपुट मतलब अगर लो रहेगा तो आपका आउटपुट हाई रहेगा, बाकी सभी कंडीशन में अगर कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा नॉर गेट का, ठीक है। अगर ये हाई है तो लो, देखिए जब लो है तभी हाई होगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं इतना आप समझ चुके होंगे, बाकी आगे भी है। जैसे आगे है ये ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट, तो देख सकते हैं आप लोग इसको बना लीजिए वीडियो को रोक करके थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद स्विच सर्किट, ये स्विच सर्किट है और ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो अगर इसको भी अगर हम थोड़ा सा समझाएं, तो अगर जैसे मैं बोला था कि अगर कोई भी एक आउटपुट हाई हो जाएगा इसमें, तो मतलब कोई भी एक इनपुट इसे मान लीजिए यही इनपुट हो गया 10 और आउटपुट, तब बोला था मैंने ना कि कोई एक इनपुट अगर हाई हो जाए तो आप सभी का आउटपुट जो है वह लो आएगा, ठीक। तो लो देखिए कैसे आएगा, मान लीजिए ए हाई हो गया और बी लो है मतलब खुला है और ए शॉर्ट कर दिया आपने, हाई कर दिया, तो देखिए करंट इधर से नहीं जाएगी, इधर से जा करके सारी करंट इधर से इधर चली जाएगी, इधर जाएगी नहीं मतलब लाइट आपका जलेगा ही नहीं, तो आपका आउटपुट मिला ही नहीं मतलब 0 हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार यूनिवर्सल गेट की बात क्यों कर रहे थे, तो नॉर गेट से हम नॉट गेट ऐसे बनाते हैं, नॉर गेट दो नॉर गेट का यूज़ करके और गेट लाते हैं कुछ इस प्रकार, नॉर गेट का तीन नॉर गेट का यूज़ करके हम एंड गेट बनाते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि लगभग 40 मिनट हो चुके हैं आप सभी का, तो बाकी फिर मिलते हैं यूनिट 2 के साथ। तो यूनिट 1 यहीं पर एंड होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी सभी देखिए 5 यूनिट है, 500 यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ भी हो सारा चीज़ मेरे नोट्स में है, दुनिया भर का है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना पढ़ाऊँ और जो मैं आप सबको ना पढ़ा पाऊँ। मल्टीप्लेक्सर से लेकर के डी मल्टीप्लेक्सर सारा चीज़ मेंशन है, सारे चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा मेरे पर पेशेंस और थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा साथ दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं भी मोटिवेट रह सकूं और सबके लिए ऐसे ही वीडियो हर यूनिट पर हर सब्जेक्ट पर ला दे रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते हैं एक नए जोश एक नए उम्मीद के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।